हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं विलयनों के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं में पदार्थों की मात्राएं कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब रसायन विज्ञान के अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो पदार्थों के बीच में होती है वो विलयन अवस्था में होती है, ठोसों में रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती है। यानी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के अंदर घोल करके उसका विलयन बना लेते हैं और विलयनों के बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जैसे NaOH है वो ठोस अवस्था में होता है तो उसको क्या करते हैं, पानी के अंदर घोल लेते हैं और घोल करके उसका पानी में विलयन बना लेते हैं, विलयन बनाकर अन्य पदार्थों की रिएक्शन करवाते हैं। तो जब NaOH ठोस को पानी में अपन ने घोला तो विलयन के अंदर उसकी सांद्रता अपन उसकी मात्रा जो है वो कैसे परिकलित करेंगे उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन विलयन जो है वो क्या होता है, तो विलयन आपने नाम सुना है पहले से ही, सॉल्यूशन, ये 9th क्लास से चलता आ रहा है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण है। लेकिन यहाँ अपन केवल दो घटकों की बात करेंगे जिसके अंदर एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। ऐसे विलयन जिनके अंदर दो घटक होते हैं उनको कहते हैं द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। इसके अंदर विलेय जो होता है वो होता है सॉल्यूट और विलायक जो होता है सॉल्वेंट। ये जो होता है विलेय वो होता है घुलने वाला, घुलने वाला, और विलायक जो होता है वो होता है घोलने वाला, घोलने वाला। या यूं कह सकते हैं कि ये कम मात्रा में जो होता है वो होता है विलेय, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो होता है विलायक। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल चीनी 2 ग्राम मान लीजिए, उसको पानी में अपन ने या जल में घोला है 100 ग्राम में, तो चीनी तो घुलने वाली है और जल घोलने वाला है, तो ये चीनी तो हो जाएगी विलेय और जल हो जाएगा विलायक। अब दोनों को घोल देने के पश्चात इनका विलयन बन गया, चीनी का जल में विलयन। अब चीनी की मात्रा जल में कितनी है, उन मात्राओं का परिकलन अपन कुछ सांद्रता पदों की सहायता से करेंगे कि इनका चीनी का जो टोटल विलयन है उसके अंदर चीनी का परसेंटेज कितना है, जल का प्रतिशत कितना है। वो सांद्रता पद कौन कौन से हैं जिनकी सहायता से विलयनों में पदार्थों की मात्राओं का अपन परिकलन कर सकेंगे, वो सांद्रता पद और उसके अंदर फर्स्ट कई सारे होंगे अपने, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल भिन्न या मोलंस और PPM पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत की। तो देखो पहला देखते हैं अपन द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। विलयनों में पदार्थों की सांद्रताओं को या मात्राओं को परिकलित करने के लिए जो पद इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहलाते हैं सांद्रता पद। इसके अंदर फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, और शॉर्ट के अंदर इसको लिखते हैं अपन WW प्रतिशत। यानी अपन वेट लेंगे सारा ही, द्रव्यमान लेंगे ग्रामों में या किलोग्राम में जो भी है, आयतन की यहाँ बात नहीं करेंगे। अब द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, तो संपूर्ण घटक में, संपूर्ण विलयन में किसी घटक के द्रव्यमान का प्रतिशत जो है वो उसका द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहलाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत देखो परिभाषा तो यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, WW प्रतिशत बराबर होता है किसी घटक का द्रव्यमान बटा विलयन के सभी घटकों का द्रव्यमान।
किसी घटक का द्रव्यमान और विलयन के सभी घटकों के द्रव्यमानों का अनुपात और गुणा 100, ये आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। अब मान लीजिए, माना किसी विलयन में दो घटक ए कोमा बी उपस्थित है, घटक हैं दो, तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालोगे? तो घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे? बराबर आ जाएगा किसी घटक की जगह घटक ए का द्रव्यमान, यानी कितने ग्राम है, बटा घटक ए प्लस घटक बी का द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमानों का योग, और गुणा कर दो 100 से। घटक बी का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे? घटक बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला आ जाएगा अपना, घटक बी का द्रव्यमान, बी का द्रव्यमान बटा घटक ए प्लस घटक बी का, दोनों का द्रव्यमान, और गुणा कर दो किससे? 100 से। तो घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए घटक ए के द्रव्यमान में सभी घटकों के द्रव्यमानों का भाग दे दो, गुणा कर दो 100 से। घटक बी का द्रव्यमान निकाल प्रतिशत निकालना है तो घटक बी का द्रव्यमान में भाग दे दो सभी घटकों के द्रव्यमानों का, और गुणा कर दो 100 से। तो ये आ जाएगा अपना द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो, द्रव्यमान प्रतिशत यदि विलेय और विलायक के रेस्पेक्ट में निकालना है अपने को, जैसे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान और बटा आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, और गुणा कर दो किससे? मल्टीप्लाई बाई 100। ये तो जाएगा विलेय का द्रव्यमान। आगे देखो, यदि विलायक का द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है अगला, क्योंकि अपना विलयन दो घटकों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, ऊपर ले लो अब की बार विलायक का द्रव्यमान बटा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, और इनटू क्या कर दो 100। ये आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत किसका? विलायक का। और आगे बढ़ते हैं, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा अगला, 2 ग्राम चीनी को जल में घोलकर को 18 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। क्या बनाया गया? विलयन बनाया गया। तो विलेय एवं विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो, अपना एक घटक है ए मान लो चीनी को, बी मान लो जल को, तो द्रव्यमान प्रतिशत, तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत चीनी और ये चीनी क्या है जो कम है वो विलेय है, तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत लिख सकते हो या विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। चीनी का द्रव्यमान आ जाएगा ऊपर, फॉर्मूला क्या है, विलेय का द्रव्यमान कितनी है चीनी 2 ग्राम बटा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो विलेय तो है चीनी
और विलायक है पानी, तो 2 ग्राम और 18 ग्राम कितने हो गए, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम इंटू 100, तो 2 ग्राम बटे बराबर हो जाएगा 2 ग्राम बटे 20 ग्राम और गुणा 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 का भाग 10 बार और 10 का भाग 100 में 10 बार, 10% आ जाएगा। यानी चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत यानी विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा 10%। फिर आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान यानी जल का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 100% में से जल कितना परसेंटेज में, तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान यानी जल का पूछ रहा है अगला, तो वो 10% है तो वो 90 है, वैसे ही 100 में से तो सीधा ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि तरीके से चलें तो 2 ग्राम की जगह अब की बार विलेय का द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम, फिर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का तो 2 ग्राम है और विलेय का 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम बटे 20 ग्राम और गुणा 100, 10 से 10 कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 का भाग 18 में 9 बार 90 और आगे प्रतिशत, तो 90% तो जल है, 10% क्या है, चीनी। यह है द्रव्यमान प्रतिशत, बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका निकालना है उसको ऊपर ले लो और टोटल जो अपना विलयन है उसका मास कितना उसका भाग दे दो और गुणा कर दो 100 से, द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाएगा।